क्रिया किसको कहते हैं? जिस सबसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हमें क्रिया कहते हैं। कल हमने क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला मूल क्रिया। पहली कौन सी होती है? मूल क्रिया। और दूसरी यौगिक क्रिया। दूसरी कौन सी है? यौगिक क्रिया। पहली मूल क्रिया। तो मूल क्रिया किसको कहते हैं? मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो। मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। मूल क्रिया किसको कहते हैं? जो क्रिया किसी अन्य शब्दों के मूल क्रिया वह जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, जो किसी दूसरे शब्दों के योग से न बनी हो, जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, उसको क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। अब हम देखते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? यौगिक क्रिया के बारे में। जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनती है उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया किसी अन्य शब्दों के योग से बनती है उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से चलाना, चलना से चलाना, खाना से खिलाना, खाना से खिलाना, रंग से रंगना ओके। तो ये क्या है? यौगिक क्रियाओं के निम्नलिखित भेद हैं। यौगिक क्रियाओं के क्या देखते हैं अब हमें? भेद कौन कौन से हैं? यौगिक क्रियाओं के भेद पहला कौन सा है? संयुक्त क्रिया। पहला भेद कौन सा है? संयुक्त क्रिया। और दूसरा नाम धातु क्रिया। और अगला भेद कौन सा है? प्रेरणार्थ क्रिया। अगला कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम देखते हैं
उसकी बात सुन लो, उसकी बात सुन लो, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, उसकी बात सुन लो, अपना काम करते रहो। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य तथा एक गौण क्रिया का क्या रहता है? योग रहता है। यहां सुन और लो दो क्रियाओं के मेल से सुन लो क्रिया बनी है, करते और रहो क्रियाओं के मेल से करते रहो क्रिया बनी है। क्या बनी है? करते रहो क्रिया बनी है, क्रिया बनी है, अतः ये संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार पानी बरसने लगा, उसे जाने दो, आगे बढ़ते चलो, हम पढ़ना चाहते हैं आधी, हम पढ़ना चाहते हैं आधी। इसके बाद में हम देखते हैं नाम धातु के बारे में, नाम धातु क्रियाओं के बारे में। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जो क्रिया किससे बनती है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे जैसे गर्म से गर्माना, गर्म से गर्माना, शरम से शरमाना, लाज से लजाना, लाठी से लठियाना आदि। उदाहरण राम शर्माता है, राम क्या करता है? शर्माता है। अब हम देखते हैं नाम धातु के कुछ उदाहरण। क्या देखते हैं? नाम धातु के, नाम धातु के कुछ उदाहरण। नाम धातु किसको कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम है विशेषण शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण। शब्द नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, गर्म गर्माना, लाज लजाना, नर्म नर्माना, नर्माना, मोटा मोटाना, चीकना चिकनाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। तो ये क्या है? नाम धातु के कुछ उदाहरण है। नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। किससे बनती है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रियाओं से बनती है, विशेषण शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पहले व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने हैं, फिर आपको यौगिक क्रियाओं के भेद पढ़ने हैं जो कितने होते हैं? चार होते हैं। उसमें से आपको संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।